तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाजा हम सभी को पहले ही से था कि भैया बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टरों में से एक यानी कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सर्कस को इस बार ऑडियंस का प्यार नहीं मिलेगा। यानी कि भैया इस फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ गया है और भाई ये कलेक्शन रिपोर्ट ऐसा है जिसको देखने के बाद अगर इस फिल्म को लेकर ये बात मैं आप लोगों से कहूँ कि भैया अगर ये फिल्म अपने बजट का आधा कलेक्शन भी निकालने में कामयाब होती है ना तो भैया ये इस फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो भाई सर्कस को लेकर मैं इतने कड़वे वचन क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सर्कस के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म का टोटल बजट कितना है, इस फिल्म को हिट होने के लिए कितनी की कमाई करनी पड़ेगी और इस फिल्म को इंडिया के प्रमुख मल्टीप्लेक्स पर पहले दिन कैसा सपोर्ट मिला है कलेक्शन के मामले में। तो एक एक करके आप इन सभी जानकारियों को सुनिए। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो है 115 करोड़, यानी कि भैया प्रोडक्शन कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को जोड़ने के बाद यानी कि भैया पीआर और भैया प्रोडक्शन कॉस्ट को जोड़ने के बाद इस फिल्म का जो टोटल बजट होता है वो 115 करोड़ का होता है और इस फिल्म को हिट होने के लिए यानी कि भैया सिंपल हिट होने के लिए 125 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी। तो भैया इस फिल्म को इंडिया के कम से कम प्रमुख मल्टीप्लेक्स पर तो पहले दिन अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भाई तो क्या ऐसा हुआ? तो भैया इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यानी कि भैया इस फिल्म को पीवीआर से पहले दिन जो कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस पर वो आंकड़ा है 1,47,00,000 रुपीज का। उसके बाद इस फिल्म को आईनॉक्स से जो कलेक्शन मिला है पूरे इंडिया से पहले दिन वो आंकड़ा है 1,10,00,000 रुपीज का। और उसके बाद भैया सिनेपोलिस में तो इस फिल्म को पहले दिन के लिए 1 करोड़ का बिजनेस नहीं मिला मेरे भाई, यानी भैया केवल 59,00,000 रुपीज का बिजनेस ये फिल्म पूरे इंडिया से कर पाई है सिनेपोलिस में। और भाई इन तीनों प्रमुख मल्टीप्लेक्स के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा केवल 3,16,00,000 रुपीज का है। और उसके बाद भैया इस फिल्म को भैया पूरे इंडिया से जो कलेक्शन मिला है सभी सिनेमा घरों के माध्यम से तो भाई वो आंकड़ा है 6,25,00,000 रुपीज का। यानी कि ये इस फिल्म का ट्रेड फिगर है, यानी कि भैया हो सकता है कि इस फिल्म का जब प्रोड्यूसर फिगर हम लोग के सामने आए तो वो लगभग 7 करोड़ या 7.5 करोड़ का हो। यानी कि भैया ये फिल्म प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से 7 से 7.5 करोड़ का बिजनेस कर रही है पहले दिन के लिए और भाई ट्रेड फिगर के हिसाब से इस फिल्म ने पहले दिन केवल 6,25,00,000 रुपए का बिजनेस किया है। और इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई है कि इस फिल्म को पूरे इंडिया में 2,500 स्क्रीन के माध्यम से रिलीज किया गया है। यानी कि भैया इस फिल्म को अपने आधे बजट को निकालने के लिए ना भैया 55 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इस फिल्म को पहले दिन के लिए जिस तरह का कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म अपने बजट का आधा कलेक्शन निकालने में कामयाब रहेगी? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।